हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नवजोत। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अफर्मेशन के बारे में। हमने बहुत सुना है अफर्मेशंस क्या होते हैं, हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अफर्मेशन हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचना है, आपके माइंड में आता है द सीक्रेट, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, चीजों को रियलिटी में बदलते हुए देखना, रियलिस्टिकली देखना चीजें कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, आपकी ड्रीम्स रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, ये सब चीजें हमारे माइंड में आने लग जाती हैं। अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी 369 मेथड के बारे में, जिससे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए हैं। 3-4 लोगों ने बोला है, मुझे मोटिवेशन फील हुई है कि आपने वीडियोस को लाइक किया है मेरी, जो मैंने वीडियोस डाली हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेकेंड टेक्निक, जो है अफर्मेशन। अफर्मेशन आपको कैसे तैयार करनी है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कितने टाइम के लिए आपको सुनना है, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो। अफर्मेशंस एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको खुद के साथ बात करनी है, खुद को बोलना है, यूनिवर्स में उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए रिलीज करना है वर्बल फॉर्म में। आप सुन भी सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं, फिर आप खुद भी बोलकर रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते हैं। अब अफर्मेशंस के बारे में एक चीज बहुत ही खास है, वो ये है कि यूट्यूब पे कुछ लोगों ने अफर्मेशन रिकॉर्ड करके छोड़ी होती हैं, अगर हम उनको सुनते हैं, यू हैव टू पे अटेंशन, पीछे एक म्यूजिक चल रहा होता है। अब लोग मुझे बोलेंगे कि मैं पढ़ी लिखी हुई तो मैं ऐसी बातें कैसे करती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ऑकल्ट साइंस में बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो वर्क करता है। अगर गॉड है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। हम अफर्मेशंस तो सुन रहे हैं, हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें खुद चल रही हैं, ब्रेन हमारा वर्क कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, लोग अफर्मेशंस तैयार करते हैं पॉजिटिव, और पीछे बैकग्राउंड में कुछ नेगेटिव भी चल रहा होता है। जब हम सुनते रहते हैं, हेडफोन्स लगाकर सो जाते हैं, हमारी आंख लग जाती है, हमें नहीं पता चलता कब वो अफर्मेशन बीच में रुक जाती है और हमारा ब्रेन जो है वो पीछे की बैकग्राउंड की एनर्जी को कैच करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ट्राई करें कि अफर्मेशन खुद क्रिएट करें, ट्राई करें कि खुद से बोलें, अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बोलें। जैसे मान लीजिए आपको एक घर चाहिए, आपके पास घर नहीं है, आप रेडी हैं, आपको पता है आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, बस सर्कमस्टेंसेस फेवर में नहीं है आपके, या आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा तब आपकी घर पाने की जो ड्रीम है तो पूरी हो जाएगी। अफर्मेशन को ऐसे तैयार करें, मैं यूनिवर्स का शुक्र कर रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर दिया है और मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रही हूँ। मैं यूनिवर्स का शुक्रिया कर रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर दिया है, मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रही हूँ। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग माई विश, थैंक यू यूनिवर्स आई एम ग्रेटफुल फॉर द हाउस दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड विद, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंजॉय माई लाइफ विद माई फैमिली इन माई न्यू हाउस, न्यू होम। ऐसे करके आप यूनिवर्स को ये साबित कर रहे हैं कि आपको यकीन है कि आपकी जो विश है वो पूरी हो चुकी है, आप एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जिस फ्रिक्वेंसी में आपकी ड्रीम जो है वो रियलिटी में बन चुकी है इन द फ्यूचर, उसमें जाकर आपने एंटर किया, वहाँ जाकर आपने फ्रिक्वेंसी मैच की, वाइब्रेशन मैच की, और रियलिटी वहाँ से उठा के यहाँ ले आई। या तो ड्रीम चल के आपके पास आता है कन्वर्ट करने के लिए रियलिटी में, मान लीजिए जो आपको चाहिए, आपकी गाड़ी आपको चाहिए, आपकी गाड़ी चल के आपके पास आएगी, या आप चल के अपनी गाड़ी के पास जाएंगे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम टेक्निक जो यूज़ करते हैं, बेसिकली करते क्या है, हम खुद चलकर जाते हैं तो टाइम लगता है, हम चीज़ों को फास्ट करके अपनी तरफ ले आते हैं, अपनी गाड़ी को ले आते हैं, अपने घर को ले आते हैं। तो एक तरीका है अफर्मेशन का। अफर्मेशन आप लिख भी सकते हैं, आप लिख कर भी कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, आप लिख कर भी, जैसे हमने ग्रैटिट्यूड की बात की है, 369 के बारे में बात की है, वो भी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन करने का तरीका है, और ये भी एक मैनिफेस्ट करने का तरीका है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि I am thankful for the life that I have. I'm thankful, I'm grateful for the car that I drive. I'm thankful for and grateful for the job that I have. I am happily receiving my paycheck of this much money. I'm happily enjoying with my family in my new house, new home. So present tense में होना चाहिए। अगर आपने एक बार ये करना शुरू कर दिया, इससे क्या होगा, अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। ये वहम नहीं है, ये सुपरस्टिशन नहीं है। इससे होता क्या है, हम अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जब हम पॉजिटिवली बात करना शुरू कर देते हैं, हमारे ब्रेन को एक पैटर्न समझ में आने लग जाता है। अगर आप
इस तरीके से पॉजिटिव बात करनी शुरू कर देंगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इतने हाई पॉजिटिव जोन में चला जाएगा कि जब नेगेटिव आपके माइंड में आने की ट्राई भी करेगा ना, उससे पहले ब्रेन आपका जो उसने रीप्रोग्रामिंग की हुई है उसको उठा के मैटर से बाहर लेके आपको समझाने लग जाएगा कि हाँ जी हमने नेगेटिव नहीं, हमने पॉजिटिव सोचना है। और ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। जैसे जो लोग स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस, उनको पता है कि अगर 2-3 दिन वो कोई मंत्रा चैंटिंग करते हैं, 2-3 दिन वो कोई पाठ पूजा करते हैं, धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट होने लग जाता है। फिर वो आप चाहे ना भी कुछ बोल कर करें, आप काम कर रहे हैं किचन में, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके अंदर से कोई आवाज आती रहती है, आपके अंदर से वो चैंटिंग होती रहती है। सेम वे में पॉजिटिव अफर्मेशन हमें हेल्प करती है, अंदर से कोई चैंटिंग होने लग जाती है। जब वो होने लग जाती है तो कभी कभी आपको अपने लिप्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथों को यूज करने की जरूरत नहीं है, ब्रेन खुद फ्रिक्वेंसी मैच करने के लिए अफर्मेशन बोलता रहेगा और रिसीव करता रहेगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखें। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे फर्क पड़ता है तो क्यों ना आजमा कर देखें। वैसे भी तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव नहीं चलता है, कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, तो हम थोड़ा पॉजिटिव ऐड करने की कोशिश करेंगे जिससे थोड़ी सी जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो रिसीव करेगी, अच्छे पॉजिटिव के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी जो होते हैं ना, कुछ लोगों को जिनको नॉलेज है इस चीज के बारे में वो इसको कंफर्म कर सकते हैं। देखो, जब भी हमने मेंटल इश्यूज होते हैं, हमारे एक्ने होते हैं, हमारे पिंपल्स होते हैं, हमारी बॉडी हमें बताती है दैट इट्स रिसीविंग सम नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो हमारे अंदर से ही आ रही हो, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी इसको रिसीव करती है। उसी तरीके से जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जब आप अफर्मेशंस का प्रयोग करते हैं, आपकी बॉडी इसको रिसीव करती है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है। कैसे भी आपकी सिचुएशन हो लाइफ में, आप देखेंगे आप ऐसे चुटकियों में बाहर आ जाएंगे उससे। हम हर चीज को सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जब रेडी हो जाते हैं ना तो प्रॉब्लम जितनी बड़ी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आजमा कर देखिए, ट्राई करके देखिए और फिर मुझे बताएं आपको कैसा लगा, कैसा रिजल्ट आपने अचीव किया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं और वीडियोस आपके सामने लेकर आती रहूं और शेयर करती रहूं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।